नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एमपी। नगरीय निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी के दिलों की धड़कन, खास तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये वजह इसलिए है क्योंकि उनके समर्थकों ने फिर से नगरीय निकाय चुनाव में टिकट की मांग करना शुरू कर दी है। खासतौर से ग्वालियर चंबल के इलाकों में उनके जो समर्थक हैं वो अलग अलग जगह टिकट की मांग कर रहे हैं। खुद मुन्ना लाल गोयल, जो विधायक थे कांग्रेस की सरकार में लेकिन बीजेपी में उपचुनाव ज्वाइन करने के बाद ग्वालियर पूर्व की सीट से उपचुनाव नहीं जीत सके, वो अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और सिर्फ वही नहीं, इंदौर में सेंगर का नाम सामने आ रहा है, जिनके समर्थक अब ये मांग करने लगे हैं कि उनको महापौर पद का टिकट मिलना चाहिए। अभी कितना संभव है ये तो अभी आकलन नहीं किया जा सकता कि कितने सिंधिया समर्थकों को टिकट मिलेगा, पर यह तय है कि जितना टेंशन उपचुनाव के समय बीजेपी को हुआ था, इसके अलावा जब जब कोई बड़ा काम करने की कोशिश की गई, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो, उस वक्त सिंधिया समर्थक जिस तरीके से परेशानी का सबब बने और ये आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी लगते रहे कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज पर काफ़ी दबाव है कि वो सिंधिया समर्थकों के हिसाब से आगे बढ़ें, सरकार में उन्हें माकूल हिस्सा मिले। ये सारे दबावों को झेलते हुए शिवराज सरकार चला रहे हैं और अब वही दबाव नगरीय निकाय चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। देखना यह है कि क्या जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव के बाद अपनों की नाराज़गी बीजेपी ने मोल ली, मंत्रिमंडल विस्तार में अपने पुराने विधायकों की नाराज़गी मोल लेकर भी सिंधिया समर्थकों को जगह दी, क्या नगरीय निकाय चुनाव में भी उतनी ही नाराज़गी मोल लेकर सिंधिया समर्थकों को तवज्जो दी जाती है। नमस्कार।